आइए आपको देश में कोरोना अपडेट दे। आपको बताएं, सुकून भरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,00,000 से कम संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जो कि 14 अप्रैल के बाद का ये आंकड़ा देखा जा रहा है। 2,00,000 से भी कम लोग 24 घंटे में संक्रमण जो के मामले जो सामने आए हैं। कोरोना से मौत की रफ्तार हालांकि चिंता का विषय अभी भी है। पिछले 24 घंटे में 3,511 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,26,850 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 26,00,000 से कम दर्ज की गई है। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीनेशन एक बड़ा हथियार माना जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, और इसकी वजह है वैक्सीन की डोज न होना। अब ये जो डिमांड और सप्लाई में कमी है, उसकी वजह से कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। देखिए एक ऐसे ही सेंटर से रूफी जैदी की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो वैक्सीनेशन सबसे अहम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन होगा कैसे, क्योंकि दिल्ली में 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीनेशन के डोजेज़ हैं अब वो ख़त्म हो चुके हैं, और दिल्ली में आज 18 से 44 एज कैटेगरी में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला लगा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वैक्सीन के जो डोजेज हैं वो नहीं है। इस वक्त हम आपको ये जो वैक्सीनेशन सेंटर दिखा रहे हैं, ये पंडारा रोड का वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देखिए वैक्सीनेशन की ये साइट वन है, जहाँ पर ताला लटका हुआ है, और इसी तरह से जब आप आगे की तरफ जाएंगे और आप वैक्सीनेशन साइट टू और थ्री भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ताला लटका हुआ है। किसी भी तरह की जो डोजेज हैं वो 18 से 44 के एज ग्रुप के लिए उपलब्ध नहीं है, इसीलिए वैक्सीनेशन की साइट्स बंद हैं, और दिल्ली के लोग एक बार वैक्सीनेशन के लिए तरसते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि लगातार जो SOS मैसेज हैं वैक्सीन के लिए वो भेजे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी कल साफ किया कि वो वैक्सीन को लेकर प्राइवेट कंपनी से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाए, क्योंकि तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये भी बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि तीसरी लहर बेहद ख़तरनाक हो सकती है, दूसरी लहर से भी ज़्यादा तबाही मचा सकती है। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। कोविड के अलावा जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है वो है आजकल ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, जिसको लेकर लोगों में गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं। आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने ऐसा कहा है कि गलत फहमियों से कृपया करके दूर रहें। उन्होंने साफ कहा कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि नॉन कोविड जो पेशेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरनमेंट में है, और इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है।